हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। आप सबका वाई सी टी एक्सप्रेस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो हम करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं पहुंचा था लेह FCI। तो अभी तुम्हारा भाई अच्छे से अपना गाड़ी खाली करके आ गया, तो अच्छे से वहां से निकल के आया, क्योंकि नो एंट्री का इलाका है, थोड़ा देख देख कर निकलना पड़ा बार बार। देखो फाइनली हम निकल के आ गए, पहुंच गए गुरुद्वारे के पास। मैंने अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी। चलो फिलहाल हम सबसे पहले फर्स्ट नहा के आते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद ही रखते हैं अपना व्लॉग कंटिन्यू। और जब तक मैं ये काम करूंगा तब तक ये बंदे अपना खाना वगैरह बना लेते हैं। ओके, अभी मैंने कपड़े निकाले, फिलहाल नहा के आते हैं, तब तक आबिद भाई भी आएगा। बड़ी चक्कर मैंने ज्यादा कपड़े साथ नहीं लाया, क्योंकि यार इधर पूरा जगह ही बंद होता था। मैंने हल्के ही लाए क्योंकि मैंने सोचा हर चक्कर तो अब घर ही जाना पड़ता है, इसलिए ठीक है। फिलहाल नहा के आते हैं, फिर मिलते हैं नहाने के बाद। गुरुद्वारे से नहा के आते अच्छे से। अभी तुम्हारा भाई नहा के आ गया, कपड़े भी चेंज कर लिए, और तब तक हमारा खाना भी तैयार हो गया। अब नीचे बैठ के अच्छे से खाते, और आबिद भाई, महराज भाई वो भी आ गए, अभी वो गए नहाने के लिए, हम तब तक खाना खाते। ओके, मुझे कमेंट में दूध गोसा बोलना कमेंट्स में, अच्छा है कि नहीं, ठीक है। बाकी हेरा भाई का गाड़ी वहाँ पे, और यहाँ बैठ के खाना खाते अच्छे से। चलो फर्स्ट तो मैं ही बैठता हूँ, मोटे इंसानों को बैठना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सीट ही उतार दी, इसी पे बैठूंगा अच्छे से, ठीक है। चलो जी, हो जाओ रेडी खाने के लिए। अभी हम 3-4 घंटे रेस्ट करके निकल गए वहां से, चलना फिर से स्टार्ट कर दिया, बट चल रहे आराम आराम से, क्योंकि यहाँ से जाते समय हमारा गाड़ी खाली होता है, इसलिए आराम आराम से ही चलना पड़ता है, क्योंकि क्या फायदा फालतू में तेल जलाने का। अगर ठंडा ही रखेंगे ना गाड़ी, यही मानो 50-55 की स्पीड में चले गए, तो फिर भी थोड़ा बहुत तेल बच जाता है, इसीलिए वैसे भी टाइम अच्छा है, क्योंकि सुबह के टाइम वहाँ से खानवाई छोड़ देते हैं, जो कि मिनी मार्ग पड़ता है, जहाँ पे खानवाई स्टॉप होता है सोना मार्ग जाने के लिए, वहाँ से सुबह मॉर्निंग में आज छोड़ते हैं। और पहले पहले ना एक दिन यहाँ से छोड़ देते थे, दूसरे दिन वहाँ से छोड़ देते, अब एक ही दिन में डबल कर देते हैं। आप ऐसा मान के चलो सुबह 6 बजे से छोड़ते 11 बजे तक सोना मार्ग के लिए, फिर 1 बजे के बाद सोना मार्ग टॉर्स ले। ओके, इसलिए हम सोच रहे हैं अगर हम लेह ही सॉरी क्या बोल रहे हैं करगिल ही पार करके रखेंगे, तो फिर सोते हैं, फिर सुबह के टाइम वहाँ से निकलते हैं आराम आराम से। तो चलो आगे खलसी मार्केट आने वाला है, वहाँ पे मैं सोच रहा था सब्जी वगैरह लेके रखते हैं, और कहीं पे बर्तन वगैरह अपने धोने हैं, और पानी वगैरह लेके रखते हैं। बाकी चल रहे हैं प्यार से, अबरार भाई भी इधर ही बैठा है, देख रहे हो नींद चढ़ गया, तो हाँ इस चक्कर तो हमारी हालत बुरी होगी, क्योंकि हम बीमार हो गए, सब सब बीमार हो गए, सच में मुझे भी बुखार था कल से, तो आज फिर भी फर्क है, नॉर्मल ही है। बट इधर से खाली गाड़ी में मज़ा आता है चलाने में, है ना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, वहाँ से जब आते हैं तो बुरा हालत होती है भाई, ड्राइवर का भी बुरा हाल होता है, गियर चेंज करते करते गाड़ी, टेम्परेचर का ख्याल, चक्के गर्म होने का ख्याल, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आबिद भाई, अभी रात के 10:30 बज गए, अभी तक हमें बर्तन भी साफ नहीं हुए, बट मैं सोच रहा हूँ खाना कब हमारा तैयार होगा। 1 बजे 2 बजे खाएंगे, 3 बजे सोएंगे, 4 हमारी लाइफ ऐसी है यार। हाँ, अभी हम टाइम टेबल पे नहीं खाते, अल्लाह कसम सच बोल रहा हूँ, मुझे इतनी भूख लगी ना, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पेट में तो खत्म हो गया यार, सच में रोड ऐसा है यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। I took my new
भाई खुद कुछ नहीं अंदर ना बस मेरे शाम को अब हम कार्य पहुंचेंगे और उसके बाद मंदिर के फोन के बुनो दिया है अभी टाइम आ गया रात के 11:30 अभी हम पहुंच गए कारगिल तो आज ना हम निकल रहे हैं सिटी में से क्योंकि रात के टाइम नो एंट्री नहीं होती है इसलिए दिन को तो हम बाईपास से निकल आते हैं बट आज ना इस टाइम बट मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी इसको पार करके आगे कहीं साइड करते हैं पहले अपना खाना पीना बनाते हैं फिर सोते हैं यार फिर सुबह निकलते हैं। उनको बोला मैं यहाँ पे लेट जाऊँगा मैं यहीं पे सो जाऊँगा फिलहाल अगर मुझे नींद थी तो मुझे मत जगाना मैं फिर खाना नहीं खाऊँगा ठीक है तो चलो फिलहाल मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ क्योंकि कमर में दर्द हो गया बैक पेन हो गया ऊपर से भूख भी बहुत लगी थोड़ा देर यहाँ पे लेट जाऊँगा थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा ओके हालत खराब होगी रोजी अरमा